आप अपने मोबाइल पर अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करें। मेरे पास काइन मास्टर डायमंड है। काइन मास्टर डायमंड मैंने इसलिए डाउनलोड किया था क्योंकि इस पर मेड विद काइन मास्टर का लोगो नहीं आता। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि थर्ड नंबर पे आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा, ये शॉप का बटन है। अगर आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर देखें आपको डिफरेंट फीचर्स नज़र आ जाएंगे। अगर आप इन सॉन्ग्स को डाउनलोड करें और इनको अपने वीडियोज़ में इस्तेमाल करना चाहें तो आपको कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। ये देखें, यहाँ से हम इसको प्ले कर सकते हैं। नहीं, इसको हम ओके। और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा होगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए म्यूज़िक, आप म्यूज़िक भी डाउनलोड कर सकते हो, साउंड इफ़ेक्ट्स भी हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं आजकल टिकटॉक वीडियोज़। इसके बाद अगर हम शुरू करते हैं अपना एक एम्प्टी प्रोजेक्ट, सबसे पहले हमें जाना होगा मीडिया ब्राउज़र में। यहाँ से मैं एक वीडियो ले लेती हूँ, मैं एक वीडियो ये मैंने बनाई हुई है, ये देखिए मैंने वीडियो ली है यहाँ पे। अब इस वीडियो पे मैं यहाँ पे जब क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे देखें डिफरेंट फीचर्स शो करेगा। सबसे पहला जो फ़ीचर है वो है सीज़र। सीज़र पे आप क्लिक करें, इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा आगे करती हूँ यहाँ पे। अब इसके सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं हमें। मैं इसको अगर हम फर्स्ट को क्लिक करूँगी तो जो आपको यहाँ पर पार्ट नज़र आ रहा है ये सारा डिलीट हो जाएगा। जैसे ये देखें डिलीट हो गया। अगर ये हम ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड, तो ये आपका जो राइट पे जो पार्ट है सारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं दरमियान से इसको स्प्लिट कर दूं, कोई ट्रांजिशन डालना चाहते हैं तो आप इसको स्प्लिट कर। अब ये आपने स्प्लिट किया है, मैं आपको एक और बात भी यहाँ बताती चलूँ। जो आपने स्प्लिट किया है ये पार्ट, यानी आपने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि यहाँ पर हम ट्रांजिशन किस तरह लगा सकते हैं। जहाँ पर ये आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा है इस पर आप क्लिक करें। इस बॉक्स पे क्लिक करने से आपको ये ऑप्शन शो होंगे। अब ये देखिए यहाँ से आप 3D ट्रांजिशन लगा सकते हैं। यहाँ से ये देखें, फर्स्ट करें मैं इस ट्रांजिशन को लगाती हूँ। यहाँ से आप इसकी स्पीड, अगर आपको नज़र आ रही है तो यहाँ पे इसकी स्पीड है, मैंने 2.5 या 2 पे, चलो मैं 2.0 इस पर हम ओके करते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर करके इसको प्ले करती हूँ। तो मैं उसे क्यों याद करूँ? ये देखें, आपने नोटिस किया कि ये किस तरह से शो हो रहा था? ठीक है, ये देखें इस तरह से शो हो। आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लग रही होगी, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी हो रही होगी। ये एक क्लिप है, इसके बाद देखें तो आप ये नेक्स्ट क्लिप शो हो रहा है। तो अगर हम इसको भी मैं अगर स्प्लिट करना चाहूँ यहाँ पे, ये देखें, ये मैंने ना आपको एक्सपोर्ट हुई वीडियो दिखाई है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और मैं इसको सीज़र में, मैंने आपसे कहा था यहाँ से हम स्प्लिट कर सकते हैं। अब देखें ये भी स्प्लिट हो गया पार्ट। अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँ इस बॉक्स पर तो ये वो हमें इफेक्ट शो हो रहे हैं। और यहाँ से देखें हम कोई भी इफेक्ट अब लगा सकते हैं। ये देखें, मैंने ये काइन मास्टर से ही पहले ये वाली वीडियो एक्सपोर्ट की थी। तो अगर मैं एक्सट्रैक्ट करूँगी तो जो इसमें मैंने साउंड यूज़ किया था, मेरी खुद की जो वॉइस थी और जो मैंने बैकग्राउंड में साउंड यूज़ किया था, तो ये इसको एक्सट्रैक्ट कर देगा। देखिए मैं ज़रा इसको क्लिक करती हूँ, ये देखें, आपने नोटिस किया यहाँ पर ग्रीन बार शो हो गया। तो ये वो वाला वॉइस है जो मैंने इस पर वॉइस ओवर किया था इस वीडियो पर, और जो मैंने बैकग्राउंड में म्यूज़िक यूज़ किया। आप इस साउंड को देखें, साउंड को भी ट्रिम कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, देखें ट्रिम, ये देखें तो ये ख़त्म हो गया। यहाँ से अगर इसको दरमियान से कट करना चाहते, ये देखें दरमियान से ये कट हो गया। यहाँ पे देखें, इसका वॉल्यूम आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साउंड के साथ जो दरमियान में ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये देखें इसका वॉइस चेंज हो जाएगा। ये देखें, देखें नन कि हम इस पर कोई अप्लाई नहीं करना चाहते। इसके बाद आप इस पर, यहाँ से मैंने आपको बताया था कि आप इसका साउंड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं दोबारा अपनी वीडियो पर क्लिक करती हूँ, ठीक है, साउंड पर क्लिक नहीं कर रही हूँ, अब मैं अपने वीडियो पर क्लिक कर रही हूँ। मैं सारे ऑप्शंस दोबारा से शो हो रहे हैं। सीज़र का मैंने आपको बता दिया था, स्प्लिट इंसर्ट फ्रीज फ्रेम। स्प्लिट इंसर्ट फ्रीज फ्रेम का मतलब ये होगा कि जहाँ पर मेरी, ये देखें, जहाँ पर ये स्क्रीन है, जहाँ पर इस वक्त स्क्रीन पर आपको जो कुछ भी नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पर अगर इसको क्लिक करूँ तो ये देखें, प्लीज़ वेट कैप्चरिंग, इसने काइन मास्टर ने इसको कैप्चर किया और यहाँ पे देखें दरमियान में इसको शो कर दिया। जो भी स्क्रीन आपकी उस वक्त होगी उसको ये कैप्चर करेगा और स्प्लिट करके दरमियान में शो कर देगा। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, यहाँ पर क्या है, ये देखें, बहुत ज़बरदस्त फीचर है ये। हम अगर इस पर फर्स्ट पर चाहते हैं कि ये यहाँ से शुरू हो वीडियो, तो हम यहाँ पे क्लिक करके ऊपर वाले पे क्लिक करके ऑप्शन पे, तो यहाँ पे कर देंगे तो हमारी वीडियो यहाँ से शुरू होगी।
अगर हम नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, आप इसका साइज़ चाहते हैं आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, तो ये उसी हिसाब से आपकी स्क्रीन नज़र आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दोनों का साइज़ एक ही हो, मूवमेंट ना हो, तो आप इसको क्लिक करें, यहाँ पे जो इक्वल का निशान आपको नज़र आ रहा है, जैसे ही आपने फर्स्ट पे स्क्रीन आपने यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको दोबारा से रिसाइज करूँ, ये देखें, ये मैंने इतना कर दिया कि हम फुल स्क्रीन हमारी वीडियो होनी चाहिए, तो इस पर मैं अब क्लिक करती हूँ, मूवमेंट इसमें नहीं होगी। इफ़ेक्ट साउंड सिस्टम है, आप यहाँ से इसको ख़त्म भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको ये कंप्रेसर है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पहले इसको प्रेस करना होगा, ये कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, तो इसके बाद आप इसको मूव कर सकते हैं। दोनों को आप लेफ़्ट में भी कर सकते हो और दोनों को आप राइट में भी कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे पिच भी है, पिच वही जो हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर हम इसको इस साइड पर करेंगे तो ये फीमेल वर्जन में होती चली जाएगी, अगर हम इस साइड पर करेंगे तो इसका मेल वर्जन में इसकी वॉइस होती चली जाएगी, यानी इसका पिच चेंज हो जाएगी। क्लिक करते हैं नंबर फोर्थ पे, हमारे पास ऑप्शन है क्लिप ग्राफिक्स, म्यान में उनके टाइटल टेक्स्ट शो होना शुरू हो जाते हैं। ये देखें, आप इनको यहाँ पे अपना टाइटल लिखें, दो टाइटल हैं तो आप अपने यहाँ पे टाइटल कुछ भी लिखें, मैं लिख देती हूँ हमना, ठीक है, ओके। तो देखें हमना आ गया, और यहाँ से आप टेक्स्ट की आउटलाइन भी कर सकते हैं, आप क्या आउटलाइन करना चाहते हैं, अभी मैं इसको ओके करती हूँ, तो ये देखें इसका आउटलाइन भी हो गई है। और मैं अगर चाहती हूँ कि नहीं ये इस तरह शो हो, ये देखें हमना इस तरह, यहाँ से आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखें मैं यहाँ पे टाइटल लिखती हूँ, हमना मैंने लिखा, और उसके बाद ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, अक्सर आपने वीडियोस पे देखा होगा, आप इसको वीडियो के दरमियान में भी लगा सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे भी लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम ये वाला देखें, ये देखें प्लेन आपको अगर नज़र आ रहा है तो प्लेन जा रहा है, ठीक है। तो ये आप चेक कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त फीचर्स हैं क्लिप ग्राफिक्स में। इसके बाद स्पीड कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल में आप इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। आपने अक्सर यूट्यूबर्स को देखा होगा कि वो यूट्यूब अपनी वीडियोस में स्पीड इंक्रीज़ कर देते हैं, तो आप इसमें अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम स्पीड इंक्रीज़ कर देंगे तो ये बहुत, ये देखें अगर हम इसको ओके करें, तो ये देखें हम इसको करती हूँ, हम मुसाफिर हैं जिंदगी भर के, और अगर मैं इसकी स्पीड कम करती हूँ यहाँ से, ये देखें तो क्या होता है, देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा स्पीड का, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, स्पीड के बाद है रोटेट मिररिंग। देखिए समटाइम वीडियोज़ को वो डबल फेस वीडियोज़ होती हैं, टू वीडियोज़ को उन्होंने मर्ज किया होता है, इकट्ठा किया होता है, तो वो इसी से करते हैं, देखें, ठीक है, रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया। इसके बाद है हमारे पास कलर फ़िल्टर का, आप इसमें डिफरेंट कलर फ़िल्टर्स ही देखें, कोई भी कलर फ़िल्टर इस पर यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद है यहाँ पे कलर एडजस्टमेंट, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, ये देखें, आप यहाँ से भी इसका कलर चेंज कर सकते हो, ये देखें वाइट, ये यहाँ पे ब्राइटनेस है, ये ब्राइटनेस इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप, ये देखें लाइट यहाँ से आप किसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है, इसके बाद वॉल्यूम, ये हम पहले देख चुके थे एक मरतबा, आप इसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से देखें मैं अगर इसको कम करती हूँ, और फिर मैं चाहती हूँ कि किसी पॉइंट पर ये ज़्यादा हो। सम टाइम आप देखते हैं किसी वीडियो पर जब तक वो बोल रहे होते हैं कोई बात, तो उनकी साउंड जो बैकग्राउंड में होता है वो स्लो होता है, लेकिन जब वो उसकी आवाज़ लो होती है, लेकिन जब वो कहीं पर खामोश होते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा साउंड। मैं आपको इस वीडियो में भी चेक करवाती हूँ, मैंने भी इस वीडियो में यूज़ किया हुआ है वो, ये देखा आपने, हमसे मत पूछो, अब बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक है वो, उसका जो साउंड है वो काफ़ी स्लो हो गया है। ये आपने करना कैसे है, फ़र्ज़ करें मैं इस पॉइंट पर आके चाहती हूँ, यहाँ पे आके हम चाहते हैं कि इसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाए, तो मैं इसको यहाँ पे देखिए मैंने इसको ला के इसको ज़्यादा कर दिया, फिर मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आगे जाके ये कम हो जाए, तो मैं यहाँ पे जाके इसको, ये देखें, फिर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा इसको हम आगे की तरफ करके हम चाहेंगे फिर थोड़ा तेज़ हो जाए, ठीक है, और फिर हम चाहते हैं बिल्कुल और ज़्यादा तेज़ हो जाए, ठीक है, और फिर हम चाहते हैं कि तेज़ ही रहे तो आप इसको इसी तरह रहने दें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नो ये फिर ये किसी पॉइंट पर आके आप चाहते हैं यहाँ से स्लो हो जाए, तो आप यहाँ पे करके इसको, ये देखें बिल्कुल स्लो कर सकते हैं आप, और आप यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे जाके ये
यहाँ पर रहे और इसके बाद पूरी वीडियो में चित्रा रहे, तो आपको यहाँ पे साइड फॉरवर्ड का रिवर्स का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करें, देखें एंड में हम लोग आ गए वीडियो के बिल्कुल लास्ट में। अब ये हमारा आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल वही साइज़ रहेगा, लेकिन फिर भी आप दरमियान में अगर कहीं चाहते हैं कि यहाँ पर आके इसका जो है वॉल्यूम वो देखें, यहाँ से आप नीचे की तरफ कर सकते हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके ज़्यादा कर सकते हैं, फिर थोड़ा सा इसको आगे करके फिर, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद है ऑडियो फ़िल्टर। ऑडियो फ़िल्टर में वॉइस ये हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। पीछे ये चेंज हो जाएगा, और इसके बाद है ये देखें, ये भी बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, ये देखें अगर आपने नोटिस किया यहाँ पे, ये देखें, ठीक है, ये विग्निटी का ऑप्शन है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद ये सारे ऑप्शन हमारे क्लियर हो गए हैं। अब मेरे ख्याल में आपके लिए वीडियो, अब मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपके लिए वीडियो को एडिट करना बहुत आसान हो गया होगा। अगर हम मीडिया ब्राउज़र में हम यहाँ से बैकग्राउंड लें ब्लैक, ठीक है, और इस वाली को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ, ठीक है। अब हमारे पास ये देखें ब्लैक बैकग्राउंड है। मैंने ये क्यों लिया है ये आपको मज़ीद ऑप्शन समझाने के लिए। अब यहाँ से हम लेयर, मीडिया ब्राउज़र हमने देख लिया, अब लेयर, लेयर में अब देखें यहाँ से आप ये जो सबसे फर्स्ट पे ऑप्शन था मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। लेयर में जब हम क्लिक करेंगे हमें पांच ऑप्शंस नज़र आते हैं, मीडिया, इफ़ेक्ट, ओवरले, टेक्स्ट एंड हैंडराइटिंग। मीडिया में क्या आप यहाँ पे लेयर, पहले अगर आपने ऑलरेडी एक वीडियो मीडिया में ली हुई है, आप लेयर के थ्रू एक और वीडियो भी ले सकते हैं, फिर एक और लेयर के थ्रू एक और वीडियो ले सकते हैं, यानी आप जितनी वीडियोज़ चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं लेयर के थ्रू। हर न्यू वीडियो ऐड करने के लिए आपको एक न्यू लेयर ओपन करनी पड़ेगी। यहाँ से आप लेयर ओपन करें, मैं आपको दिखा देती हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे देखें, मैंने ये वाली वीडियो ऐड कर ली, और ये देखें, ठीक है, और मैं यहाँ से दोबारा लेयर में जाती हूँ। यहाँ से देखें अब मैं कहीं और अगर यहाँ पर वीडियो शामिल करना चाहूँ, ये देखें मैं इसको कर देती हूँ, ठीक है। अब हमें देखते हैं क्या करता है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोले, ठीक है। आप क्या करना चाहते हो, फ़र्ज़ करें आप यहाँ से चाहते हो कि ये वाला वीडियो मैंने ले लिया है और यहाँ सिर्फ मैंने ये इसको मैं, अच्छा मैं एक और बात आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। अगर आप ये वीडियो आपने ऐड कर लिया, अगर इसके ऊपर आप तकरीबन 2 सेकेंड्स के लिए प्रेस करके रखें, इसको पुश करें, प्रेस किए रखें, और फिर इसको आप जिस तरफ चाहें आप देखें इसको लेकर जा सकते हैं। और वीडियो को मैं ट्रिम करना चाहती हूँ, मैं ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करूँगी, ठीक है। ऊपर वाली वीडियो पर मैंने क्लिक किया और मैंने सीज़र में जाकर मैंने इसको कर दिया ट्रिम, ये देखें। अब अगर मैं आपको इसको दिखाऊँ, ये देखें दोनों वीडियोस एडजस्ट हो गई हैं, ठीक है। अभी देखें, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से ये वीडियो भी ट्रिम हो, यहाँ से इसको आप स्प्लिट करें या फिर इसको ट्रिम करें। मैं देखें इसको कट कर दिया, और हम यहाँ पे इसको लेयर में जाकर हम एक और वीडियो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गई होगी। समटाइम क्या होता है कि यूट्यूबर्स क्या कर रहे होते हैं, पहले वो अपनी कोई बात बता रहे होते हैं, दरमियान में कोई वीडियो दिखा देते हैं, फिर वो अपनी कोई बात बताते हैं, और फिर कोई वीडियो दिखा देते हैं, और यहाँ से आप इमेज भी डाल सकते हैं कि ये देखें। अब यहाँ पे वीडियो थी 2, लेकिन अगर हम यहाँ पे चाहें तो अब यहाँ पे हम कोई इमेज भी लगा सकते हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। और इसके अलावा एफएक्स इफ़ेक्ट है, मैं इनको यहाँ से दफ़ा डेल करती हूँ वीडियोस को। ये मैंने सिर्फ आपको वीडियोस का तरीका बताया था कि आप वीडियोस किस तरह लगा सकते हैं। अब हम लेते हैं इमेज, ठीक है, यहीं से मैं कोई ले लेती हूँ इमेज, ये वाला इमेज हमने ले लिया। अब ये देखें, अभी इस इमेज को जब मैंने यहाँ पे लिया है, इसको मैं दफ़ा कर देती हूँ, इस पर क्लिक करते हैं, देखें आपको सारे ऑप्शन शो हो गए। आपने कुछ ऑप्शन इसमें मीडिया ब्राउज़र को जब हम देख रहे थे तब भी आपने सीख लिए होंगे, लेकिन कुछ यहाँ सीज़र का आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और इसके बाद मैं इस पर दोबारा क्लिक करती हूँ, आप इस पर क्लिक करेंगे आपको दोबारा सारे ऑप्शन शो होंगे। आप ऊपर वाले को मीडिया को क्लिक करेंगे, देखें मीडिया से रिलेटेड आपको फीचर्स शो होंगे। अगर आप नीचे वाले इमेज पे क्लिक करें तो देखें आप इमेज के लिहाज से आपको सारे ऑप्शन शो होंगे, तो जो चेंजिंग्स आप इमेज में कर सकते हो एज अ लेयर। सीज़र का आपको पता ही है, ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है। देखें अभी ये फुल स्क्रीन नहीं है, अक्सर क्या होता है कि हम मोबीज़ोन या AZ स्क्रीन रिकॉर्डर से वीडियो बनाते हैं मोबाइल वगैरह पर,
तो वो जब हम काइन मास्टर में उसको एडिट करते हैं तो वो हमारी स्क्रीन जो उसकी होती है वो फुल स्क्रीन नहीं होती, यहाँ से आप कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, लेयर में जाकर लेकिन ये ऑप्शन होगा। आप एक तरीका तो आपको यहाँ पे है कि आप इसको पकड़ कर इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को आप इस तरह नहीं कर सकते, वीडियो को क्या करना होगा आपने उसको, जब अगर आपने किसी वीडियो को ऐड करना है आपने उसको मीडिया ब्राउज़र में जाकर, यहाँ से आपने उसको ऐड नहीं करना, आपने मीडिया में कोई भी बैकग्राउंड ले लेना इसी तरह, ठीक है, कोई भी बैकग्राउंड ले लें। उसके बाद आप लेयर में जाएं और जाकर मीडिया में जाकर अपनी उस वीडियो को जिसको आप यहाँ पर फुल स्क्रीन करना चाहते हैं आप उसको यहाँ पर ऐड करें, और ऐड करने के बाद यहाँ पे देखें आप इस पर क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड यहाँ पे सीज़र का ऑप्शन सबसे पहले आपको समझ आ गया है, सेकंड पे यहाँ पे देखें ऑफ़, ये ऑफ़ है, लेकिन अगर हम इसको यहाँ ये देखें कितनी आसानी से ये फुल स्क्रीन हो गया। तो जो लोग मोबाइल पर बनाते हैं वीडियोस उनके लिए बहुत ज़बरदस्त फीचर है स्प्लिट स्क्रीन का, स्क्रीन फिट हो, यहाँ पे ये देखें, ये देखें आप ऊपर कोई और ऊपर वाले पार्ट में आप कोई और वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। आप यहीं से लेयर में, मैं आपको बता देती हूँ, लेयर में जाएँ, मैं कोई और यहाँ से इमेज मैं फर्स्ट करें कोई वीडियो चूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने वीडियो चूज़ की है और ये देखिए पहले मैंने ये वाला ऑप्शन क्लिक किया था ऑफ़ के नीचे वाला जो है, तो ये नीचे इमेज यहाँ पे आ गया था। अब मैंने साइड वाला किया है तो ये देखें आप ये खुद ही वहाँ पर एडजस्ट हो गया। यहाँ से हम इसको ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, डबल स्क्रीन आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, और इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है आपने देखा होगा कि इस साइड पर किसी और की वीडियो होती है और इस साइड पर किसी और की, इस तरह टिकटॉक पे लोग ड्यूट कर रहे होते हैं, तो आप यहाँ पे देखें ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन एक किस्म का ड्यूट करने का ही है। आप डबल लेयर आपको ऐड करनी होगी, याद रखिएगा, यहाँ पर आपने एक लेयर ऐड की, फिर मैंने दोबारा मीडिया में जाकर एक लेयर ऐड की, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ से इसको बता कर देती हूँ फुल स्क्रीन, ये देखें ये फुल स्क्रीन हो गया। ऑफ़ करेंगे तो ये बिल्कुल अपनी फर्स्ट वाली हालत में आ गया, लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह शो होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। रोटेट हमने पहले भी देखा था, ये देखें इसकी साइड चेंज हो जाएगी इस तरह, ये देखें पहले इसका फेस इस तरफ था अब इस तरफ। देखो ऑप्शन क्या होगा, इस पर हमने क्लिक किया और इन एनिमेशन बहुत ज़बरदस्त फीचर है, इन इमेज को किस तरह चाहते हो कि इसकी, ये देखें, और यहाँ से आप इसकी स्पीड ज़्यादा या कम कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट स्लाइड है वो किस तरह आपकी शो होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ से आपको। और इसके बाद यहाँ से ओवरऑल एनिमेशन के पूरी वीडियो का आपके एनिमेशन क्या होगा, नन, इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन तो बहुत ज़बरदस्त है। इन एनिमेशन का आपकी स्लाइड किस तरह स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसका और एंडिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है, ठीक है, न्यू स्लाइड आने से पहले उसका एंडिंग पॉइंट क्या होगा, ये आउट एनिमेशन। क्रॉपिंग आप इसको क्रॉप कर सकते हो किसी भी साइड से, ये देखें जब मैंने इसको फुल स्क्रीन किया था तो ये देखें आप इसको, ये देखें फुल स्क्रीन मैंने किया था तो सिर्फ ये वाला पार्ट शो हो रहा था, आप इसको ये देखें क्रॉप में जाके अगर आप चाहते हैं कि वो फुल स्क्रीन में मैं पूरा इमेज नज़र आए, देखें ये पूरा इमेज फिट हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्रॉपिंग के बाद अल्फ़ा कैपेसिटी, आप इसको अल्फ़ा कैपेसिटी इसको इधर ही रहने दें जो ये है, अल्फ़ा कैपेसिटी का मतलब ये है कि वो थोड़ा थोड़ा ब्लर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, और कलर फ़िल्टर में हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, कलर फ़िल्टर और कलर एडजस्टमेंट भी हमने पहले देखी है कि वहाँ से आप कलर एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा ये ऑप्शन आपको सारे क्लियर हो गए, ओवरले यूज़ कर सकते हैं जैसे कि ये है, फर्स्ट करेंगे देखें ओवरले आ गया, ठीक है, अपनी वीडियो के ऊपर ये लगाना चाहते हैं कहीं पर। यहाँ पर देख रहे थे कि हमने लेयर में ओवरले भी देख लिया, टेक्स्ट यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ कि वो हमने ओके किया, ये टेक्स्ट यहाँ पे आ गई, यहाँ से आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब ये देखें टेक्स्ट से रिलेटेड यहाँ पे आपको ऑप्शंस शो होंगे, आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे इसका फॉन्ट आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है, मैंने ये चूज़ किया, ये देखें तो थोड़ा सा बोल्ड हो गया। और इसके अलावा इन एनिमेशन आपने जो इस लिखा है ये किस तरह आए, ये देखें आपने जो नाम लिखा है ये किस तरह आए, ठीक है, यहाँ से आप इसकी स्पीड ज़्यादा कम कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ओवरऑल एनिमेशन आपने पहले देखा था, आउट एनिमेशन ये देखें, आउट एनिमेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं कि इस तरह इसकी एंडिंग पॉइंट ये वाला होना चाहिए। अल्फ़ा कैपेसिटी ये देखें, अगर मैं इसको बिल्कुल कम कर देती हूँ, अब देखते हैं हम ये कैसे नज़र आ रही, देखें
पहले ही, अभी देखें पहले ही बिल्कुल वाइट था, अब मैं इसकी अल्फ़ा कैपेसिटी बिल्कुल कम कर दी थी, तो अगर मैं इसको ज़्यादा कर दूँ बिल्कुल, तो अब मैं इसको देखती हूँ। ये देखें ये पहले वाली हालत में आ चुका है। रोटेट मिररिंग का आपने देखा था, बाद लेयर में टेक्स्ट भी आपने देख लिया, हैंड राइटिंग भी कर सकते हैं। सम टाइम यूट्यूबर्स दरमियान में हमें लाइंस लगा के दिखा रहे होते हैं, ये देखें आप यहाँ से चूज़ करें, आप दरमियान ये देखें किसी भी पॉइंट को हाईलाइट करना हो तो आप यहाँ से हाईलाइटर यूज़ कर सकते हैं वीडियोज़ के दौरान, ठीक है। ये देखें ये रेज़र है, आपने जो भी यूज़ किया आप उसको रेज कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी रेज़र ही है, यहाँ से आप इसकी ये देखें ये सबसे नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इसकी आप ये इसको जितना मर्ज़ी चाहें तो इसको बोल्ड कर सकते हैं जितना मर्ज़ी। ये देखें मैं ऐसे पेंसिल लेती हूँ, यहाँ से इसका साइज़ हम इंक्रीज़ कर देते हैं, ये देखें कितना बड़ा नज़र आ रहा है। इसलिए पाँच ऑप्शन थे, हमने पाँच के पाँच ऑप्शन देख लिए हैं। अब हमारे पास है वॉइस, वॉइस है कि अब ये देखें मैं जो बोल रही हूँ वॉइस पे मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ से करूँगी स्टार्ट, अब ये देखें साथ में रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गई है, जो इस वक्त मैं बोल रही हूँ वो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। अच्छा हमने मीडिया ब्राउज़र भी देख लिया, लेयर भी देख लिया, अब हम ऑडियो, अगर आप इस पर कोई ऑडियो लगाना चाहते हैं आप फोल्डर्स में जाएँ, और मैंने यहाँ पे काफ़ी डाउनलोड किए हुए हैं, यूट्यूब से भी मैंने डाउनलोड किए हुए हैं जिन पर कोई कॉपी राइट का इशू नहीं आता। यहाँ से पहले आप सुन सकते हो ऐड करने से पहले, यहाँ दिए देखें जो आपको अच्छा लगे, इसमें से जो आपको अपनी वीडियो के लिए सूटेबल लगे आप प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे तो ये देखें नीचे यहाँ पे आपको शो हो जाएगा जो भी आपको अपनी वीडियो के, ये मैंने यूट्यूब से मोबाइल पे डाउनलोड किए हुए थे यूट्यूब गैलरी से, आपको पता है यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी होती है जिस पर कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आता। आई होप आपको ये समझ आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने ऑलमोस्ट तमाम फीचर्स इसमें आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, अब आपके लिए वीडियो एडिट करना काफ़ी ईजी हो गया होगा। तो अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेशन में ज़रूर पूछिएगा, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।